नमस्कार दोस्तों, हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो देखिएगा, इसको हमें रूट से आजाद करना है। रूट से आजाद करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मानना होगा। क्योंकि ए है, ए भी बाहर निकलना चाहिए, यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे उसकी जगह पे ए भी लेंगे। तो हम x इज इक्वल टू यहां पे लेट किए ले रहे हैं a साइन थीटा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि क्या सही हमने लेट किया है कि नहीं। जैसे ही हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और आसानी के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिएगा, यहां पे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो dx हो जाएगा, इसका 1 होगा और ये थीटा का d थीटा dx होता है, तो dx इधर आ जाता है। a साइन थीटा का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा और डी थीटा। चलिएगा, रख देते हैं यहां पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई रूट, रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का x है, x की जगह कितना रखना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अच्छा ds की जगह कितना रखना है, a cos थीटा d थीटा। चलिए, इंटीग्रेशन ऊपर हो गया हमारे पास a cos थीटा d थीटा, और नीचे देखिए हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर से तो a बाहर निकल जाएगा, रूट ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, a से तो a कट गया, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस थीटा आएगा, ऊपर कॉस थीटा है ऑलरेडी, नीचे भी आ गया कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, थीटा आता है ना थीटा, तो थीटा की जगह पे यहां पे हम क्या रख सकते हैं, देखो यहां से थीटा इज इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x बटे a आएगा पहले, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर एक्स बाई ए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां पे रखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, थीटा प्लस सी रखेंगे, सी यही जोड़ देंगे, या एक और इंटीग्रेशन होता है इसका, कॉस के टर्म में अगर करना चाहे तो सिर्फ माइनस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, चलेगा, इसे याद रखेंगे दोनों को, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, चलेगा, लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।